दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के टॉप बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं और साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे। आज की सबसे पहली खबर, बिहार दिवस के लिए सजा गांधी मैदान। 22 मार्च से होगा 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन। कैलाश खेर, रेखा भारद्वाज, सुखविंदर सिंह, हुसैन मंदू आएंगे पटना। जी हां, बिहार दिवस यानी 22 मार्च पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर सरकार की ओर से की जा रही तैयारी पूरी कर ली गई है। पटना के गांधी मैदान में बिहार के आर्टिस्ट की प्रतिभा भी खूब दिख रही है। पीपल के 5 पत्तों के बीच पानी की एक बूंद को खूबसूरती से बीच सेंटर पर लगाया गया है। इसके नीचे टीन के चादरों से पक्षी बनाया गया है। यह जीवन नेचर हैप्पीनेस को दिखा रहा है। इससे बनाने वाले कलाकारों में साहेबगंज के अमृत प्रकाश शाह और मुंगेर के आर्टिस्ट विधान ने खूबसूरती से सुंदर बोध कह रहा है। आपको बता दें कि बिहार दिवस का आयोजन 22, 23 और 24 मार्च यानी 3 दिनों तक चलेगा। उद्घाटन सत्र में ड्रोन का करतब गांधी मैदान में देखने का लायक होगा। कैलाश खेर, रेखा भारद्वाज और सुखविंदर सिंह का गायन मुख्य मंच की सबसे बड़ी खूबसूरती होगी। वहीं SKM में मोहम्मद फारूकी कर्ण कथा सुनाएंगे। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को गजल गाते हुए आप सुन सकेंगे। ठुमरे गाने सुरेंद्र शर्मा आएंगे। बड़ी खबर, बिहार में गर्मी ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड। बांका में पारा 41 डिग्री के पार, पटना में 36 डिग्री पहुंचा तापमान। 31 मार्च तक राहत नहीं। जी बिहार में गर्मी ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रविवार को बांका में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी है। बांका में अधिकतम तापमान 41 डिग्री के पार हो गया है। पटना में भी पारा तेजी से बढ़ा है। रविवार दोपहर 1 बजे तक पटना का अधिकतम तापमान 36 डिग्री के पार हो गया। आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में पूर्वानुमान है कि 31 मार्च तक आसमान से आग बरसने जैसी स्थिति होगी। आने वाले 3 से 4 दिनों में अधिकतम तापमान में 4 डिग्री की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है। साथ ही मौसम विभाग ने अचानक से बढ़ी गर्मी को सेहत के लिए काफी खतरनाक बताया है। अगली बड़ी खबर, इस बार लेट होगा बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट। पूर्वी चंपारण के DM की एक रिपोर्ट ने लगाया ब्रेक। 25 सेंटर पर दोबारा होगा मैथ्स का एग्जाम। जी हां, बिहार बोर्ड के मैट्रिक रिजल्ट में इस बार देरी होगी। मार्च में इसके आने की संभावना नहीं बन रही है। इसके पीछे की वजह है पूर्वी चंपारण के DM की एक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में मार्च में रिजल्ट आने की उम्मीद टूट गई है। DM की रिपोर्ट में नकल की पुष्टि की गई है। इसके बाद मैथ्स का एग्जाम कराया जा रहा है। 24 मार्च को एग्जाम होगा और कॉपी चेक करने के बाद टॉपरों की स्क्रीनिंग होंगी। ऐसे में रिजल्ट अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आने की उम्मीद है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा में 17 फरवरी को मैथ्स का पेपर था। इस दौरान पूर्वी चंपारण जिले में पर्चा लीक होने के साथ नकल की सूचना मिली थी। मामला गंभीर था जिससे जाँच के लिए DM ने एक्शन लिया था। DM की जाँच में नकल की पुष्टि होने के बाद बोर्ड को रिपोर्ट की गई है। यह निर्णय लिया गया कि एग्जाम दोबारा कराया जाए। इसके बाद बोर्ड ने परीक्षा का प्लान किया और पूर्वी चंपारण में 25 सेंटर पर मैथ्स के पेपर का दोबारा एग्जाम कराने का पूरा निर्णय लिया है। बड़ी खबर, बिहार में 23 लोगों की संदिग्ध मौत। जहरीली शराब पीने की आशंका अभी पुष्टि नहीं हुई है। जी बिहार में 3 जिलों में अलग अलग जगहों पर 23 लोगों की मौत शनिवार और रविवार को संदिग्ध हालत में हो गई। उल्टी दस्त और पेट दर्द के लक्षणों में सभी पाए गए हैं। मृतकों में 17 भागलपुर जिले के, वहीं 11 बांका जिले के और 2 मधेपुरा जिले के हैं। बीमार चल रहे कुछ लोगों की आंखों की रोशनी भी कम हो गई है। भागलपुर में 2 मृतकों के परिजनों ने बताया कि शराब पीने के बाद मौत हुई है। हालांकि प्रशासन इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। भागलपुर शहरी क्षेत्र के साहेबगंज में घुसाए लोगों ने रविवार सुबह हंगामा किया और 4 घंटे तक सड़क को जाम रखा। भागलपुर में होली के मौके पर शराब पीने से सभी की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर, BJP ने VIP प्रमुख को दिया अंतिम मौका। माफी मांगे मुकेश सहनी, नहीं तो मंत्री के कुर्सी भी जाएगी। जी मुजफ्फरपुर सांसद व भाजपा प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष अजय निषाद ने कहा कि मुकेश सहनी को NDA में रहना है तो बोचहा में BJP उम्मीदवार का खुलकर समर्थन करना होगा। यह उनके लिए आखिरी मौका है। अगर इसके बाद भी वे बागी रोक रखते हैं तो गठबंधन के अलावा सरकार से जो अपनी कुर्सी उन्हें गंवानी पड़ सकती है। मुजफ्फरपुर सांसद ने कहा कि मुकेश सहनी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मिलकर अपनी गलती स्वीकार करे और माफी मांगे। गौरतलब है कि बोचहा उपचुनाव में भाजपा ने बेबी कुमारी को मैदान में उतारा है। सांसद अजय निषाद ने कहा कि मुकेश सहनी को सब कुछ तो भाजपा की बदौलत ही मिला है, इसके बावजूद वे भाजपा को ही आग दिखा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को आग दिखाएंगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
वही अगली बड़ी खबर, बीजेपी के खिलाफ सैनी का मास्टर प्लान, आरजेडी के टिकट पर बोचहा में उतर सकते हैं अमर पासवान। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर सवार होकर पहली बार मंत्री बनने वाले मुकेश सैनी इन दिनों बीजेपी से ही खार खाए बैठे हैं। बीजेपी को लेकर मुकेश सैनी ने लगातार आक्रामक तेवर बनाए रखा है। सूत्रों के माने तो मुकेश सैनी और तेजस्वी यादव बोचहा उपचुनाव को लेकर एक साथ आ सकते हैं। आरजेडी के विश्वसनीय सूत्रों की माने तो दोनों नेताओं के बीच इसे लेकर बातचीत भी हो चुकी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अमर पासवान आरजेडी के टिकट पर बोचहा में उम्मीदवार होंगे। ऐसे में एनडीए सरकार के अंदर मंत्री रहने के बावजूद सैनी तेजस्वी के साथ हाथ मिलाकर बीजेपी को चुनौती देंगे। आरजेडी के एक नेता ने नाम न बताने की शर्त पर इस बात की पुष्टि की है कि अमर पासवान आरजेडी के नेताओं से मिल चुके हैं। हालांकि अमर पासवान ने अब तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा है। अगली बड़ी खबर, बिहार में जमीन के रजिस्ट्री कराना हुआ पूरी तरह मुफ्त, उद्योग के विकास के लिए बड़ा फैसला। जी हां, बिहार में जमीन खरीदना आसान नहीं है। राज्य में नौकरी और रोजगार के अवसर भले ही कम हो, प्रति व्यक्ति आय भले कम हो, लेकिन जमीन की कीमत दूसरे तमाम राज्यों की अपेक्षा अधिक है। इसमें भी बड़ी दिक्कत है कि महंगा निबंधन शुल्क और स्टाम्प शुल्क, लेकिन सरकार ने राज्य में जमीन की लागत कम करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने खास प्रयोजन के लिए जमीन खरीदने पर निबंधन और स्टाम्प शुल्क पूरी तरह माफ करने का फैसला किया है। उद्योग के लिए सस्ती जमीन उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब औद्योगिक जमीन के लिए निबंधन व स्टाम्प शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, बिहार में मुकेश सहनी को जीतनराम मांझी के बाद जदयू का भी मिला साथ, उपेंद्र कुशवाहा बोले ठीक नहीं हुआ। जी हां, बिहार विधानसभा के दो सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान के लिए पिछले दिनों हुए उपचुनाव में महागठबंधन के दो दलों राजद और कांग्रेस की राह अलग कर दी थी। अब बिहार विधानसभा की ही एक और सीट बोचहा में होने वाले उपचुनाव से एनडीए में ऐसी स्थिति लाकर खड़ी कर दी है। बोचहा में अपने प्रत्याशी की दावेदारी को लेकर भाजपा और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के बीच चल रहे तानातानी के बीच जदयू ने सुलह पर काम करने की बात कही है। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने रविवार को कहा कि इस सीट पर प्रत्याशी देने के पहले भाजपा को मुकेश सहनी को विश्वास में लाना चाहिए था। इसके अलावा आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने इस मसले पर खुलकर मुकेश सहनी का समर्थन किया है। हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बोचहा सीट पर भाजपा के उम्मीदवार देने को गलत बताया था। बड़ी खबर, अब तेजस्वी के भरोसे शरद अपनी पार्टी का आरजेडी में किया विलय। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के लोकतांत्रिक जनता दल का कल राष्ट्रीय जनता दल में विलय हो गया। आरजेडी में शरद यादव की पार्टी के विलय का कार्यक्रम पहले ही तय हो चुका था। कल दिल्ली स्थित शरद यादव के आवास पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मौजूदगी में उनकी पार्टी का राष्ट्रीय जनता दल में विलय हो गया। शरद यादव के साथ तेजस्वी यादव और उनकी बड़ी बहन मीसा भारती के साथ साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी से लेकर उदय नारायण चौधरी तक इस मौके पर मौजूद थे। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय विद्यालय में नामांकन के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी, पहले से 11वीं तक के लिए होगी प्रक्रिया। जहां कम खर्च में अच्छी पढ़ाई के लिए केंद्रीय विद्यालय एक अच्छा विकल्प है। सरकारी क्षेत्र के इस विद्यालय की शाखाएं देश के सभी जिलों और सभी प्रमुख शहरों में मिल जाती है। आपको बता दें कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने क्लास 1 में नामांकन के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। पूर्व में संगठन की ओर से पहले 21 मार्च को आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन अब उसका विस्तार कर 11 अप्रैल कर दिया गया है। केंद्रीय विद्यालय बेली रोड के प्राचार्य पीके सिंह का कहना है कि आवेदन के अवधि विस्तार करने से अधिक छात्रों को आवेदन का मौका मिलेगा। मालूम हो कि केंद्रीय विद्यालय में नामांकन के लिए 28 फरवरी से आवेदन लिए जा रहे हैं। चयनित बच्चों की पहली सूची केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से 18 अप्रैल को जारी की जाएगी, वही दूसरी सूची 25 अप्रैल को जारी होगी, तीसरी सूची 2 मई को जारी होगी। खबर, पटना हाईकोर्ट में कंप्यूटर ऑपरेटर सह टाइपिस्ट के पदों पर भर्तियां निकली। जी हां, पटना हाईकोर्ट ने कंप्यूटर ऑपरेटर सह टाइपिस्ट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पटना हाईकोर्ट की इस भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट www.patnahighcourt.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन की लास्ट डेट 7 अप्रैल 2022 रखी गई है। वहीं ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की लास्ट डेट 9 अप्रैल है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पटना हाईकोर्ट के इस भर्ती अभियान में कुल 30 रिक्तियों को भरा जाना है। इनमें से 12 रिक्तियां अनारक्षित वर्ग के लिए, 5 रिक्तियां शेड्यूल कास्ट के लिए, 1 पद और 5 पद ABC के लिए रखा गया है, 4 पद BC के लिए और 3 पद AWS के लिए है।
अगली बड़ी खबर, बिहार के 8 जिलों में बनेगा नया बाईपास, 4 शहरों में होगा रिंग रोड का निर्माण, बजट हुआ पारित। बिहार के 5 शहरों में रिंग रोड बनाए जाएंगे। इसके लिए राजधानी पटना के बाद अब 4 अन्य शहरों गया, दरभंगा, भागलपुर व मुजफ्फरपुर में रिंग रोड बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त 8 शहरों में नया बाईपास बनेगा। बिहार के जिन 8 शहरों में नया बाईपास बनाया जाना है उनमें से एक पटना भी है। बता दें कि पटना में NH3 से बिगरापुर के रास्ते करबगिया कृषि फार्म तक नया बाईपास बनेगा। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने गुरुवार को पथ निर्माण विभाग के बजट प्रस्ताव के तहत विधानसभा में इस बात की जानकारी दी है। साल 2022-23 के लिए 58,19,02,50,000 रुपए का बजट पारित किया गया है। बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन की तैयारी, विधानसभा में पेश किया जाएगा बिल, जानिए क्या होगा बदलाव। जी, बिहार में शराबबंदी को लेकर सरकार अब नरम पड़ती दिख रही है। विधानसभा शराबबंदी कानून में संशोधन का विधेयक पेश किया जाएगा। विधानसभा में बिहार मद निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 लाने से पहले विधायकों के बीच इसकी कॉपियां बांटी गई है। आपको बता दें कि नए शराबबंदी कानून में पियक्कड़ों को बहुत छूट दी गई है। इसके मुताबिक कोई व्यक्ति नशे की अवस्था में पाया जाता तो उसे तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा। इसके बाद उसे निकट के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। यहां उसे जुर्माना देना होगा। यदि वह सरकार द्वारा तय जुर्माने का भुगतान कर देता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। जुर्माने ना देने पर 1 माह का कारावास दिया जाएगा। खबर, बिहार में शराब नहीं तो निरा ही सही, 1 अप्रैल से पार्क और जू के गेट पर भी होगी निरा की बिक्री, पटना में 51 नए सेंटर बनेंगे। जी, बिहार में शराबबंदी है, सरकार अब विकल्प ला रही है। राज्य में जहरीली शराब से हो रही मौत पर काबू पाने के लिए सरकार निरा स्टॉल को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि राज्य के 38 जिलों में निरा का बिक्री केंद्र बनाए जा रहे हैं। पटना में भी 51 नए सेंटर बनाए जा रहे हैं जहाँ 1 अप्रैल से निरा की बिक्री होगी। पटना के चिड़ियाघर गेट के सामने भी बिक्री के केंद्र बनाए जा रहे हैं। पटना में निरा बिक्री के लिए 51 सेंटर बनाए गए हैं। इन सेंटर के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में अप्रैल के प्रथम सप्ताह से निरा की बिक्री होगी। खबर, बिहार में बिजली सप्लाई का ब्लूप्रिंट तैयार, ग्रामीण इलाकों में 24 घंटे मिलेगी बिजली, देर रात पावर कट होने पर भी तत्काल होगा मेंटेनेंस। यह राज्य के लोगों को 24 घंटे बिजली सप्लाई देने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र को पहली बार शामिल किया गया है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में भी देर रात पावर कट होने पर तत्काल मेंटेनेंस कर सप्लाई कर दी जाएगी। इसके लिए शहरों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत लाइन मैन को संसाधन उपलब्ध कराने, 200 पावर सब स्टेशन बनाने, सभी बड़े शहरों में स्काडा स्थापित करने, अत्याधुनिक तकनीकी सिस्टम लगाने, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाले डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म कमेटी ने मुहर लगा दी है। आज के लिए आपका सवाल बताया कि आपके गांव में 24 घंटे में कितने घंटे बिजली रहती है, इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।